एम्स 2005 में पूछा गया है गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टन सेक्स लिंक ट्रेड पेडिग्री दिया है सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ठीक है वर्टिकली और horizontally हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट सेकंड ठीक है सेकंड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ थर्ड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये नंबर हमने मेंशन कर लिया अब पूछ क्या रहा है ट्रेड ट्रेज इन द अबव पेडिग्री चार्ट इज तो ये बोल रहा है कि यहां पे कौन सा ट्रेड हम यहां पे है या पेडिग्री किस तरीके

हमेशा बनेगी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है फीमेल जो होगी वो हेट्रोजाइग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सारी फीमेल डिजिट बन रही है और सारे मेल नॉर्मल बन रहे हैं तो यहाँ पे देखें सेकेंड जनरेशन में कि दोनों जो फीमेल हुई है वो डिजिस्ट हो रही है और जो बाकी जो मेल हुए हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है पैटेगरी अब आते हैं सेकंड जनरेशन की सेकंड फीमेल पे सेकंड फीमेल फिर से कैसी है डिजीज है कंडीशन और मेल कैसा है नॉर्मल है इन दोनों से अगर देखेंगे तो फिर से फीमेल जो हो रही है डिजीज बन रही है और फीमेल नॉर्मल दोनों बन सकते हैं मतलब डिजीज फीमेल भी बनेगी नॉर्मल फीमेल भी बनेगी और मेल जो होगा वो बनेगा डिजीज मेल बने बने और नॉर्मल मेल मतलब फीमेल डिजीज बन सकती है नॉर्मल बन सकती है सर इसमें भी आप देख सकते हो कि नीचे जो पैटेगरी दी है वो फॉलो हो रहा है कि मेल डिजीज भी है मेल नॉर्मल भी है फीमेल डिजीज भी फीमेल नॉर्मल भी है तो यहां तक देखें तो ये पैटेगरी एक्सलिंग डोमिनेंट हो सकता है अभी हम नेक्स्ट देखते देख... तो सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें कि रेसिसिव लिंक्ड है तो एक्स लिंक रेसिस को चेक करते हैं चलिए एक्स लिंक एक्सलिंग अगर होता तो हम फर्स्ट कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में मेल जो है वो कैसा है डिजीज है तो मेल के लिए हम क्या ले सकते हैं एक्स स्मॉल डी वाई और फीमेल जो है वो नॉर्मल है तो हो सकती है हैगस भी और डोमिनेंट अगर फर्स्ट फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हम देखें डोमिनेंट के साथ तो यहाँ पे जो फीमेल होगी हमेशा कैसे बनेगी नॉर्मल और मेल भी जो बनेगा वो कैसा होगा नॉर्मल तो फर्स्ट केस में अगर होमोजागस मान ले फीमेल को तो इस केस में हमेशा फीमेल जो होगी वो नॉर्मल बनेगी और मेल जो होगा वो नॉर्मल बनेगा पर यहाँ आ, फीमेल डिजीज भी दिखा रहा है इसलिए यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट केस में क्या पॉजिबिलिटीज है मेल जो है फर्स्ट जनरेशन का वो डिजीज है तो एक्स स्मॉल डी वाई लिख सकते हैं और जो फीमेल है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी और एक्स कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी अगर फर्स्ट केस लेते हैं मान लेते हैं कि फीमेल कैसी है होमोजाइगस डोमिनेंट है नॉर्मल है तो हम लिख सकते हैं एक्स कैपिटल डी कैपिटल डी इसके केस में हर फीमेल जो होगी वो नॉर्मल बनेगी और हर जो मेल होगा वो भी नॉर्मल बनेगा पर यहाँ पे डिजीज कंडीशन दिखा रहा है फीमेल का इसलिए पेडिग्री फॉलो नहीं हो रहा है अगर वाई वायलिंग होता हमने बोला की वाइलिंग अगर होता है तो वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन दिखाता है पर यहाँ पे आप देखो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है मतलब फर्स्ट जनरेशन में, में मेल डिजीज था फिर सेकंड जनरेशन में फीमेल डिजीज आ रही है फिर थर्ड जनरेशन में मेल एंड फीमेल दोनों डिजीज आ रही तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा है जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है वाई वाइलिंग डिजीज के अंदर कि मेल टू मेल इनहेरिटेंस होता है मतलब फर्स्ट जनरेशन में मेल डिजीज होंगे सेकंड जनरेशन के सारे मेल डिजीज होंगे थर्ड जनरेशन के भी सारे मेल डिजीज होंगे सो so, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है डोमिनेंट कंडीशन मतलब की जो डिजीज यहाँ पे या जो पेडिग्री हमें यहाँ पे शो किया गया है वो पेडिग्री कैसा है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है <laughs>